हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियल लाइफ फैशन। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो एक सनस्क्रीन है। वो ये है लोटस हर्बल सन सेफ 3-in-1 मैट लुक डेली सन ब्लॉक। तो इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, उससे पहले हम डिटेल में सनस्क्रीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सनस्क्रीन के बारे में जो हमारे दिमाग में जो बातें आती है वो ये है कि सनस्क्रीन हमें कब यूज़ करने चाहिए। तो इसका सही आंसर ये है कि हमें डे टाइम में सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। लोगों को ऐसा लगता है कि सनस्क्रीन एक बार अप्लाई कर लेने से होल डे काम हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, बिकॉज़ 4 to 5 आवर्स में ये अपना इफ़ेक्ट खो देता है। के बाद अगर आप इसे रीअप्लाई नहीं करते हो तो ये आपके स्किन पे कुछ भी काम नहीं करेगा। ये सन रेज से आपके स्किन का प्रोटेक्शन नहीं करेगा। तो टाइम टू टाइम आप इसे रीअप्लाई करते रहे। एंड बात अगर SPF की करें तो डिफरेंट SPF वाले आजकल सनस्क्रीन आ गए हैं मार्केट में, तो ऐसे में सभी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा SPF वाला बेस्ट होगा। तो इसका सही आंसर ये है कि अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जा रहे हो, लाइक आप कॉलेज गोइंग हो या फिर आप वर्किंग लेडी हो, तो इस केस में आप SPF 30 या 40 अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में जा रहे हो, जैसे कि आप बीच पे जा रहे हो या फिर आप लेबर वर्क कर रहे हो, जैसे आप डायरेक्ट सन कांटेक्ट में आ रहे हो, तो इसके लिए आपको SPF 15 की ओर जाना चाहिए। बट अगर आपको मिनिमम SPF 30 अप्लाई करना ही चाहिए, सनस्क्रीन एक लेयर के तरह काम करता है आपके स्किन पे, लाइक कि ये एक लेयर फॉर्म कर देता है आपके स्किन एंड सन रेज के बीच में, जिससे कि सन रेज से होने वाले लाइक टैनिंग, पिगमेंटेशन, सन बर्न एंड स्किन डिजीज लाइक कैंसर जैसे हार्मफुल डिजीज से आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है। एंड ऑल्सो इसे आप बस अपने फेस पे ही अप्लाई ना करें, आप इसे अदर एक्सपोज एरिया लाइक हैंड्स पे, इधर नेक पे, सारे एरिया पे प्रॉपर अप्लाई करें। एंड ऑल्सो आप इसे बाहर जाने से मिनिमम 15 मिनट्स पहले आप इसे अप्लाई करें। लोगों को ऐसा लगता है कि सनस्क्रीन बस तब लगाना चाहिए जब आप सनलाइट फेस करने वाले हो, इट मीन्स कि जब आप घर पे रहते हो तो इसे सनस्क्रीन को नहीं अप्लाई करना चाहिए, ऐसा लोगों को लगता है। बट ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जब आप घर पे हो तब भी आप इसे प्रॉपर अप्लाई करें। आप इसके क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हो, लाइक जब आप घर पे स्टे करने वाले हो तो आप इसके कम क्वांटिटी में अप्लाई कर सकते हो इसे, एंड जब आप बाहर जाने वाले हो तो ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हो। बट इसे प्रॉपर अप्लाई करना चाहिए, लाइक ईच डेज अप्लाई करना चाहिए, 365 डेज इसे अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं हम इस सनस्क्रीन के बारे में। तो मैं इसका रिव्यू दे देती हूँ। ये प्रोडक्ट एक स्क्वीजी ट्यूब फॉर्म में मिलता है जो कि कुछ ज़्यादा ही स्क्वीजी है। प्रोडक्ट को बनाते टाइम कंपनी ने इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करी है कि इस प्रोडक्ट को अप्लाई करते टाइम ये प्रोडक्ट ज़्यादा वेस्ट ना हो। मैं दिखाती हूँ आप सभी को, इस तरह से इसके कैप पे लग जाता है अगर आप इसे 1 से 2 बार अप्लाई करोगे तो। बहुत ही कम प्रेशर में ये बहुत ज़्यादा निकलने लग जाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता होगा ही कि लोटस एक हर्बल ब्रांड है। ये प्रोडक्ट हर्बल होने के बावजूद भी पैराबिन कंटेंट करता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है हमारे स्किन के लिए। सबसे पहले इसके प्राइस एंड क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। तो 395 रुपीस में आपको 100 ग्राम्स मिलता है, जो कि अकॉर्डिंग टू मी एक्सपेंसिव है। एंड साथ ही साथ आपको सेल्फ लाइफ 2 ईयर मिलता है, जो कि इनफ डेली यूज़ के प्रोडक्ट के लिए। ये प्रोडक्ट ऑल्सो मेड इन इंडिया है एंड ये 100% वेगन है, जैसा कि आप यहाँ लोगो देख सकते हो। चलिए देखते हैं ये प्रोडक्ट क्या क्या क्लेम करता है। तो फर्स्ट क्लेम ये करता है सन प्रोटेक्शन देने का, एंड सेकेंड क्लेम है स्किन लाइटनिंग, एंड थर्ड क्लेम है मैटिफाइंग। ये प्रोडक्ट आपको मिलता है PA++ के साथ एंड SPF 14 विथ UVA एंड UVB। ये प्रोडक्ट क्लेम तो करता है स्किन लाइटनिंग की, बट जब मैं इस प्रोडक्ट को अप्लाई करना स्टार्ट की थी तो मेरी स्किन और भी ज़्यादा डल लगने लगी मुझे। इस पे मेंशन किया है ये ऑल स्किन टाइप है एंड टिंटेड है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो मुझे स्टार्ट हुआ था इस प्रोडक्ट को लेके, वो ये टिंटेड होने के कारण लगा था। तो मैं इसे nykaa.com से ऑर्डर करी थी, तो साइट पे ये मेंशन नहीं किया था कि ये टिंटेड है, अगर होता तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं खरीदती। इसकी टेक्सचर की बात करें तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये टिंटेड है, मीडियम टेक्सचर है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। एंड हाँ, ये प्रोडक्ट जो क्लेम करता है मैटिफाई करने का, तो ये कुछ टाइम के लिए तो मैटिफाई ज़रूर करता है, बट थोड़े टाइम के बाद फिर से कुछ ज़्यादा ही ऑयल निकलने लग जाता है।
वैसे तो ये वाटरप्रूफ भी है, बट ओवरऑल मुझे ये प्रोडक्ट सही नहीं लगा। मैं रीज़न ज़रूर बताऊंगी ये प्रोडक्ट मुझे क्यों सही नहीं लगा। जैसा कि आप सभी देख चुके हो कि ये एक टिंटेड सनस्क्रीन है, तो अ लिटल बिट ऑफ इसमें फाउंडेशन मिला हुआ है, कारण ये ऑक्सीडाइज्ड होता है एंड ये अच्छा खासा ऑक्सीडाइज्ड होता है, जिसके कारण फेस आपको कुछ ही टाइम बाद डल सा लगने लगता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। बात अगर इसकी फीडबैक की करें तो मैं इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ एंड मैं इसे जब परचेज कर चुकी हूँ तो मैं इसे अदर एक्सपोज्ड एरिया पे लगाती हूँ, लाइक नेक पे लगाती हूँ, हैंड पे लगाती हूँ एंड फुट पे लगाती हूँ। मैं इसे फेस पे तो अप्लाई करना बिल्कुल प्रीफर नहीं करती हूँ। मैं इस प्रोडक्ट को किसी को भी रिकमेंड नहीं करती हूँ इस प्रोडक्ट को। तो आप अगर इसे परचेज करने वाले हो तो गाइज प्लीज़ आप इसे परचेज ना करें, बिकॉज ये मुझे बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी लगा है एंड इतने प्राइस में आपको इससे बेटर सनस्क्रीन और भी बहुत सारे ब्रांड, इवन इस ब्रांड में भी आपको मिल जाएगा, तो आप वो परचेज करें। मुझे इस प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है जिसके कारण इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए, ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है। अगर आप फिर भी इसे परचेज करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।